सभी का नमस्कार। आज एक बहुत ही बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अभी आपके सिलेबस में नहीं आया है, तो लेकिन इसके ऊपर आपको आगे काम करना होगा, इसी को बेस बना के आपको काम करना होगा, ठीक है ना। तो कल जैसे मैंने शील्ड क्राइटेरिया की बात कर रहा था, तो ये रिवाइज शील्ड क्राइटेरिया है, रिवाइज स्टोर शील्ड क्राइटेरिया, ठीक है, ये लेटेस्ट है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने काम करना होता है, ठीक है। जैसे आपने सुना है अपने पंजाब पंजाब में, क्या आपने देखा होगा सुना होगा गुरुद्वारे में जाते हैं, जाते हैं ना गुरुद्वारे में, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, वहां पे पाठ सुनते हैं। एक जपजी साहब का पाठ है, उसमें लिखा हुआ है, एक शब्द है, किव सच्यारा होइए किव कूड़े तुटे पाल, किव सच्यारा होइए किव कूड़े तुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखे ना। इसका मीनिंग क्या है, तो हम उसको अपने इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। इस जो शब्द है वो क्या है कि परमात्मा कह रहे हैं किव सच्यारा होइए, भी हम सच्चे कैसे हो सकते हैं, सच्चे का मतलब कि हम अपने आप को परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। हमें परमात्मा ने जन्म दिया है, किसी कोई ना कोई हमें ड्यूटी दी है, जैसे आपको ड्यूटी दी है, आप डीएमएस बने हैं, ठीक है ना, आपको ड्यूटी दी गई है परमात्मा के द्वारा, तो इस पे आपने इसमें परफेक्ट कैसे होना है, सच्चे कैसे होना है, अपने आपको इसके काबिल कैसे बनाना है, इस ड्यूटी के काबिल कैसे बनाना है। वो कह रहे किव सच्यारा होइए किव कूड़े तुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखे ना। यानी कि अगर हम उसके हुक्म में, यानी हुक्म क्या है, रूल, जो परमात्मा ने रूल बनाया है, यानी कि हम इसको परमात्मा का हुक्म मान के चले कि परमात्मा के हुक्म से हमें ये पोस्ट मिली है, तो इसमें हमने अपने आप को परफेक्ट करना है, तभी हमें ये सारी जो झूठ की दीवारें हैं कि कूड़े तुटे पाल, यानी कि झूठ की जो दीवारें टूट जाएंगे, सारा मतलब कि दूसरा खत्म हो जाएगा, हम अपने आप को परफेक्ट कर लेंगे, गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे अगर हम अपने आप को परफेक्ट कर लें, ठीक है, ये इसका मतलब बनता है। तो इसको हमने अपने लाइफ में उतारना, अपने फील्ड में उतारना है इस लाइन को। तो उसके लिए हम ये सोचते हैं कि अपना जो भी हमें काम दिया गया है, ये हमें हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, रेलवे के द्वारा अपॉइंटमेंट हुई है, रेलवे बोर्ड के द्वारा अपॉइंटमेंट हुई है, तो रेलवे बोर्ड के जो रूल है, ठीक है ना, उसको हमें फॉलो करना होगा। तो कई बार सोचते हैं कि ठीक है, ये तो अपना हमारा ये बॉस है रेलवे का, जो भी रेलवे में आपका बॉस होगा, वो कोई ऑर्डर कर रहा है या कोई भी आपके आपके ऊपर रूल लागू हो रहा है, तो किसी ना किसी ने रूल बनाया है, तो वो किसने, वो जो रूल बनाया है वो किसी ना किसी ऑर्डर से बना है। ऑर्डर किसके बना, हम ये मान के चले परमात्मा के ऑर्डर से बना है, तो अगर ये मान के चले तो हमें उसको फॉलो करना है, ये मान के चले कि परमात्मा ने जो बनाया है, हमें जो ड्यूटी दी है परमात्मा ने ही दी है, तो उसके उसने जो रूल बनाया है, भगवान ने जिस भी बंदे को रूल बनाने के लिए कहा होगा रेलवे के डिपार्टमेंट के, भगवान के ऑर्डर से मिला होगा, ठीक है, उसी का ऑर्डर फॉलो करके हमें ये पोस्ट मिली है, उसी का ऑर्डर हमें फॉलो करना है। फॉलो कैसे करना है, हमने जो भी रूल बने हैं उनको हमने अपने फील्ड में, अपने काम में उसके ऊपर परफेक्ट होना है, पूरा पूरा अपनी मेहनत करके उसमें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है अपने उस काम की, उसको पूरा करना है। तो उसके लिए एक शील्ड क्राइटेरिया भी बना है, हम काम की बात करते हैं, शील्ड क्राइटेरिया बना है, जो इंडियन रेलवे में जितने भी जोन है, जोन वाइज एक शील्ड मिलती है हर जोन को, ठीक है ना, साल में एक बार, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि किस तरीके से वो शील्ड दी जाएगी, ठीक है ना, उसमें क्या क्या पॉइंट है, कितने उसको पॉइंट लेने होंगे ताकि उसको शील्ड दी जा सके, इसमें किसको ही वो नहीं होगी, मिसकैलकुलेशन नहीं होगी, जिसका बनता है उसी को मिलेगी, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली मिलेगी। तो अगर नॉर्दर्न रेलवे को मिले, नॉर्दर्न रेलवे हमारे बॉस है पीसीएम सर, ठीक है ना, तो उनको
उनको शील्ड दरवाने के लिए मतलब अपने नॉर्दर्न एयर को शील्ड मिल रही है, यानी कि हमें मिल रही है, ठीक है ना। तो हमें ये सोच के चलना कि हमें शील्ड मिल रही है, हम नॉर्दर्न एयर में तो हमें शील्ड मिल रही है, तो हमने उसपे उसके ऊपर काम करना है, अपने नॉर्दर्न रेलवे को ऊपर नंबर वन लाने के लिए अपने आप काम करना है। अब जिस जो भी आपको सीट का काम दिया गया उसमें परफेक्ट होना है, ठीक है ना। तो ये पहला जो शील्ड क्राइटेरिया है उसमें इसमें ड्यूटीज भी आ जाती हैं हमारी। तो हमारी जो ड्यूटीज है, ड्यूटीज क्या है, जो आप डीएम्स बने हैं, सीडीएम बनेंगे, तो हमारी ड्यूटीज क्या रहेंगी, डीएमएस की ड्यूटीज क्या है, क्या है, स्टॉक को मेंटेन करके रखना, ठीक है ना। यानी कि जो भी हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है उसको हमने 100% उसको सेटिस्फाई करना है। कैसे सेटिस्फाई करना है, उसको सप्लाई देके, ठीक है ना। तो सप्लाई कैसे देंगे, अगर हमारे पास 100% अवेलेबिलिटी रहेगी। तो पहला शील्ड क्राइटेरिया का है यही है, सबसे पहला नंबर एक अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी आइटम, पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी आइटम। सबसे पहले इसको ऊपर रखा है, सेफ्टी से रिलेटेड है ना, सबसे पहले इसको ऊपर रखा है अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी आइटम, कि वो आइटम है जो सेफ्टी में यूज, सेफ्टी पर्पज के लिए रिक्वायरमेंट जिन आइटमों की होती है वो सेफ्टी आइटम में आती है। तो सबसे पहले हमने अपने सेफ्टी को ध्यान में रखना है कि कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे किसी की लाइफ खतरे में पड़े, जिस आइटम की वजह से ना मिलने पर किसी की लाइफ खतरे में जाए, तो उसको हम सेफ्टी आइटम में रखते हैं कि अगर ये आइटम ना हुई तो इससे ये एक्सीडेंट हो सकता है, ये ठीक है ना, लाखों लोगों की जाने जा सकती है, मतलब ऐसा कुछ। तो वो आइटम कुछ आइटम रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाई जाती है कि ये आइटम सेफ्टी आइटम होगी। तो सेफ्टी आइटम के लिए जो टारगेट है वो 100% का है टारगेट, यानी कि जो सेफ्टी आइटम की अवेलेबिलिटी है वो 100% होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई छूट नहीं। 100% का मतलब क्या है, यानी कि आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आउट ऑफ स्टॉक नहीं, इसमें जो सेफ्टी आइटम में मतलब बदल जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक तो है कि बिल्कुल खत्म है, लेकिन सेफ्टी आइटम में क्या है कि अगर आपके पास लेस देन 1 मंथ स्टॉक है, ठीक है ना, तो इसको आउट ऑफ स्टॉक माना जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 1 महीने से कम स्टॉक आपका है तो वो क्या माना जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो इसलिए हमने 1 महीने से कम स्टॉक तो कभी होने ही नहीं देना है। तो अगर 1 महीने से कम है तो इसका मतलब कि आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो अगर और इसमें पॉइंट्स दिए गए, नंबर दिए गए, हर मतलब कि इसको उसके डिसाइड किए गए कि किस क्राइटेरिया के कितने नंबर है। तो जो अगर 100% अवेलेबिलिटी है तो वहां पे जो नंबर दिए गए हैं वो, अगर किसी के 100% अवेलेबिलिटी है तो वो उसके पॉइंट्स हो गए 100, 100 मार्क्स उसको मिलेंगे, ठीक है। अगर 100 है तो 100 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें एक और भी है कि अगर आपके 0.25% आपका कम रह गया, जीरो पॉइंट टू फाइव 5% रिडक्शन, रिडक्शन इन अवेलेबिलिटी, तो इसमें आपके नंबर कम हो जाएंगे। कितने नंबर कम हो जाएंगे, 5 नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपको एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर टारगेट 100% का टारगेट है, 100% है तो 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका 99.75 है, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी,
तो कितने नंबर कम होंगे? 100 में से यानी 0.25 में से 5 कम होगी तो कितने नंबर आए? 95। तो अगर मैं यहाँ पे 99% लिख देता हूँ, 99% आपने टारगेट अचीव किया है, तो कितने नंबर बनेंगे? 100 में से कितने कम होंगे? 20, यानी कि आपके नंबर बने 80 मार्क्स बने। बड़ा लेटेस्ट है ये, आगे मतलब कि ये क्वेश्चन जो आगे एग्जाम होने वाले हैं ना, 30% के या 70% के जो भी एग्जाम होगा, एएमएम के एग्जाम, उसमें ये आगे ये क्वेश्चन डालेंगे जरूर, ठीक है। तो अगर 95% आपका टारगेट अचीव किया तो कितने नंबर बनेंगे? हाँ जी, तो 100 नंबर कम हो जाएंगे, 100 के 100 कम हो जाएंगे। कैसे कम होंगे? 2.5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 को 20 से, तो कितने आ गया ये 100? एक परसेंट में 20 कम हो रहे हैं तो सर, 5% में, एक परसेंट में कितने कम हो रहे हैं? 20%। तो 5% में कितने होंगे? 100। तो नंबर कितने आपको मिलेंगे? 0 मार्क्स आएंगे। यानी कि जिस भी डिपो की 95% अवेलेबिलिटी है तो उसको नंबर मिलेंगे 0, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्ट करेगा पूरे इंडियन रेलवे, पूरे नॉर्दर्न रेलवे, रेलवे के ऊपर इफेक्ट करेगा, या आपकी जो पोजीशन है ना पूरे नॉर्दर्न रेलवे पे इफेक्ट करेगी। तो अगर आप नंबर 0 ले रहे हैं या 100% से कम अवेलेबिलिटी है तो ये नहीं कि आपके नंबर कम हो रहे हैं, ये पूरे नॉर्दर्न रेलवे के नंबर कम हो रहे हैं। इसलिए आपने बहुत ही ध्यान पूर्वक ये ध्यान रखना है कि कम से कम जो सेफ्टी आइटम है उसकी अवेलेबिलिटी कभी भी 100% से नीचे नहीं रहनी चाहिए, समझ गए। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अवेलेबिलिटी है मंथली है, मंथली एवरेज। मंथली एवरेज कैसे? मान लो आपके 99% फॉर 29 डेज, आपने ये कैलकुलेशन करके बताना कि बनेगी 99% फॉर 29 डेज, 29 दिन तक तो आपके 99% अवेलेबिलिटी है। लास्ट में जाके कहते हैं कि यार जोर लगा के आपने 100% कर ली, लास्ट में जाके जो एक दिन के जो बचा है आपने कितने कर दिए? 100% अवेलेबिलिटी। वन डे आपके बचा है, वन डे की अवेलेबिलिटी कितनी होगी? 100%। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमने लास्ट में जाके अपना टारगेट अचीव कर लिया तो हमारी 100% अवेलेबिलिटी होगी, ये गलत है। हमने ये 99 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक दिन को 100 ये टोटल करके उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि 99 × 29 प्लस 1 × 1 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू कितना आएगा? 99.03% आ गया। तो हमारी एक महीने बाद की अवेलेबिलिटी कितने रही? 100% नहीं हुई। तो ये पूरे इंडियन, पूरे नॉर्दर्न रेलवे के ऊपर ये इफेक्ट करेगी, तो हमारे जो शील्ड क्राइटेरिया में हमारे नंबर कम हो जाएंगे अगर हमारी ये सेफ्टी आइटम किसी भी रूप में कम, किसी भी एक दिन, किसी एक दिन में भी अगर कम होती है तो वो भी इफेक्ट करेगी, कभी भी 100% नहीं हो सकती। मंथ के किसी भी एक दिन अगर 100 से कम आ गया तो वो कभी भी 100% इस महीने में 100% हो ही नहीं सकती, दोबारा रिपेयरेबल नहीं है। हाँ, इसलिए इस पे बड़ा ध्यान रखना है कि इसको पूरा
मेंटेन करके रखना 100% आज ही टाइम। क्लियर है ये? तो इसके ऊपर आपने ज्यादा ध्यान देना जब आप वर्किंग में आएंगे ना, तो आपने ये सेफ्टी आइटम को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। सेकंड है, सेकंड भी इसी तरह से है, मंथली एवरेज ऑफ पैसेंजर नेसेसिटी आइटम्स। इसका भी सेम ही फार्मूला रहेगा, इसके भी जो पॉइंट्स है, इसका भी टारगेट जो है, टारगेट 100% का ही है, इसका भी सेम टारगेट है। और इसके पॉइंट्स कितने हैं? 50 मार्क्स है इसके। तो अगर आपके 0.25% कम रह गया, रिड्यूस हो गया, तो आपके पॉइंट्स भी मार्क्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। कितने होंगे? 0.25% के ऊपर आपके होंगे 5 मार्क्स, ये कम होंगे आपके। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल रहेगी। यहां पे 99.75 लिख लेते हैं, 99.75% आपके अवेलेबिलिटी है, मंथली एवरेज ऑफ पैसेंजर नेसेसिटी आइटम। पैसेंजर नेसेसिटी आइटम की अवेलेबिलिटी कितनी है? 99.75। तो मार्क्स कितने मिले आपको? 50 में से 5 कम होंगे, 45। तो अगर यही एवरेज आपके 99% है तो फिर कितने मिलेंगे? 20-30 कम होंगे, 50 में से कितने कम होंगे? 20। कितने बाकी रह गए? 30 मार्क्स। नेक्स्ट है, एक एग्जांपल और लेते हैं, 97.5 ले लेते हैं, जिसपे आपके नंबर कितने हो जाएंगे? 0। 50 में से 50 कम हो जाएंगे, कैसे कम होंगे? नेगेटिव मार्जिन, 2.5 कितने 5 नंबर मिल रहे थे, 5 नंबर गुना 10, 10 50, ये आएगा 0 आपका। ठीक है, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, समझिए? क्लियर है ये? तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100, और मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 0। 0 कब मिलेंगे आपको? 97.5% आपकी अवेलेबिलिटी रही तो। ठीक है, और इसमें भी जैसे वो था मंथली अपना डेली बेसिस पे है, डेली बेसिस पे कैसे कि आपके 99% वही 29 डेज तक है, प्लस एक दिन जो है आपका 100% हो गया, तो आपकी एवरेज कितनी आ गई? 99.03%। तो इसको भी अभी कभी भी आप मेकओवर नहीं कर सकते, एक बार पिछड़ गए तो पिछड़ गए, पूरे साल में इफेक्ट करेगी, इसलिए इन दोनों को अपने 100% अवेलेबिलिटी रखनी है। क्लियर? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट है थर्ड, ओवरऑल अवेलेबिलिटी। ओवरऑल अवेलेबिलिटी इसका भी टारगेट है
पहले टारगेट बहुत कम होता था, पहले कभी 90% भी रहा है, फिर 90% से थोड़ा ऊपर भी बढ़ाया, ऊपर भी बढ़ाया, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो 99% कर दिया है, जो ओवरऑल अवेलेबिलिटी है 99% होनी चाहिए, तो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? 200 मार्क्स मिलेंगे अगर आपके 99% अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप कुछ ज्यादा करते हैं 99% से, इसमें 0.1% आप ज्यादा करते हैं, यानी 99 + 0.1% आपने कर दिया, कितना 99.01%, ठीक है। तो जब जो 0.1 हुआ ना, इसके नंबर आपके कितने प्लस हो जाएंगे, इसको बोनस मिलेगा, फिर आपको 5 नंबर ये आपको बोनस मिलेगा, बोनस पॉइंट्स मिलेंगे 5 अगर 0.1% आपने बढ़ा दी। तो इसके एग्जांपल अगर कम कर दी, कितने कम कर दी, 0.25% आपकी कम रहेगी, रिड्यूस होगी अवेलेबिलिटी, तो फिर आपके 0.25 के पीछे आपके नंबर कटेंगे, कितने कटेंगे, ये 5 नंबर आपके कट जाएंगे, 5 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लें, अगर हमारे अवेलेबिलिटी 99% है तो कितने नंबर मिले, 200, तो 99.01 हुआ तो कितने मिलेंगे, 205। तो अगर 99.1 है तो कितना ये मार्क्स आए आपके, ये क्लियर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 99.1 पे आपको मिल गए 205। अगर 95 आपके, सॉरी पहले कंप्लीट कर ले, अगर आप 100% कर लें फिर कितने मिलेंगे, 200 प्लस कितने होंगे, 250 आपके ये है मार्क्स, इसलिए मैक्सिमम आप ये रहेंगे मैक्सिमम, ठीक है। 250 यानी कि टारगेट है 99% का मार्क्स मिलेंगे 200, अगर आप 100% अवेलेबिलिटी कर देते हैं तो आपका 250 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो अगर इसको माइनस होते हैं कितने होते हैं, हम ले लेते हैं एग्जांपल 98.75 ले लेते हैं, 2.5 कम कर दिया ना, तो कितने अभी कितने कम हुए हमारे, 98.75 क्योंकि नीचे कितना 0.25 नीचे गए तो कितना आ गया, 200 में से 5 गए 195 आपको मिलेंगे। अगर मिनिमम कितने, अगर 89 हो गए 89%, फिर कितना बनेगा, 200 माइनस हो जाएंगे आपके, यानी कि 0 मार्क्स आएंगे आपको, ये है मिनिमम, इससे नीचे नहीं आप जाएंगे, ठीक है। इससे नीचे नहीं जा सकता, नीचे इससे नीचे जाएंगे, मान लो
80% भी आपके रह गए तब भी आपका जीरो मार्क्स मिलेंगे, 89 से जो भी नीचे जाएगा उसको जीरो मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपने ये बड़े ध्यान से मतलब इसको मेंटेन करना है कि 99% से ऊपर रहने की कोशिश करनी है हमेशा, क्योंकि जब भी आपको किसी भी महीने में ये कम रहेगी तो वो फिर आपके वो बड़ी मुश्किल से मेंटेन हो पाएंगे। मतलब बोनस तो नहीं मिलेंगे, एड पर आप जा सकते हैं, बोनस तो नहीं, आप जैसे बोनस मिल रहे ना इसमें, तो उसमें बोनस नहीं मिल पाएंगे आपको लास्ट में जाके। इसमें भी वैसे वही मंथली अपना डेली बेसिस पे ही है, ठीक है ना। अगर 99% आपकी एवरेज आ रही है, ठीक है, तो ये 29 डेज के लिए, आ रही है और एक दिन आपका एक दिन 30 होगी, तो ये भी ना परसेंटेज इतने ही बनेगी, है ना। 98 आएगा सर, 98.5 एक ही बात है, एग्जांपल देनी चाहे वो भी एग्जांपल लेना चाहे 30 से 100 होगा है, 30 से 100 होगा, एक दिन 100% आ रही है ना, 90 एक दिन 100% आ रही है ना, वो ही रहेगा ना, 30 से 100 आएगा सर, 99.03% इसमें थोड़ा सा बोनस मिला, कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 0.1 पे 5 नंबर, 0.1 पे है 5 नंबर, मिलेगा इसमें भी नहीं मिलेगा, इसलिए इसको भी आपने कोशिश करो कि मेंटेन करके रखो, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट में एवरेज बेस पे मिलते हैं, एवरेज पूरे 12 महीने की एवरेज निकाली जाएगी, उस समय आपकी कितनी एवरेज बन रही है तो उस समय फिर कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। अगर हमारी एवरेज इफेक्ट हो रही है तो नॉर्दर्न की पूरी नॉर्दर्न रेलवे की इफेक्ट होगी, ठीक है ना, तो वहां पे जिस भी डिपो की इफेक्ट करेगी तो वो पक्का क्यों उसको डांट पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए अपने आप को मेंटेन करके रखना है कि हर समय, पहले ये था कि कोई बात नहीं एक महीने बात कर लेंगे, पहले उससे पहले जब शुरू शुरू में था कि पहले साल बाद करते थे, एक साल बाद जोर लगा के पूरा कर लेते, ठीक है एक लास्ट में करेंगे, तो जोर लगाएंगे लास्ट में करेंगे, लेकिन अब ये इन्होंने डेली बेस पे ही कर दिया, हर समय आपने सतर्क रहना है, यानी कि अपने आप को परफेक्ट रखना है अपने काम में, कोई ढील नहीं बरतनी, अवेलेबिलिटी कोशिश करनी है कि 100% ही आपकी रहे, ठीक है।